यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि आने वाला समय बहुत कठिन है और हमें बुनियादी मूल्यों को बचाने के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के यानी रायबरेली के मतदाताओं का आभार मानते हुए एक चिट्ठी लिखी है, लेकिन इस चिट्ठी ने राजनीति को गर्मा दिया है। कुल मिलाकर उन्होंने लिखा है कि मुझे पता है कि आने वाला समय बहुत कठिन होने वाले हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपके समर्थन और विश्वास की शक्ति से कांग्रेस हर चुनौती को पार करेगी। उन्होंने कहा, मेरा जीवन आप सभी के सामने खुली किताब है, आप मेरा परिवार हैं, मैं आपसे ताकत हासिल करती हूँ और यही मेरी असली संपत्ति है। उल्लेखनीय कि सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के दिनेश प्रताप सिंह को 1,67,000 मतों से हराया है। कुल मिलाकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी और अन्य दलों ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था, इसके लिए भी सोनिया गांधी ने उनका आभार माना है। अब सवाल इस बात का है कि सोनिया गांधी ने यह टिप्पणी क्यों की कि आने वाला समय बहुत खराब है। इसके दो मायने निकलते हैं, या तो उन्हें नरेंद्र मोदी की सरकार से व्यक्तिगत रूप से खतरा है, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार रॉबर्ट वाड्रा वाले प्रकरण को लेकर और नेशनल हेराल्ड वाले प्रकरण को लेकर और भी अधिक कानून की मदद लेकर इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। दोनों ही फिलहाल कानून के दायरे में फंसे हुए हैं, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी तीनों ही नेशनल हेराल्ड से लेकर अन्य तमाम प्रकरणों में इस समय बुरी तरह से उलझे हुए हैं। और इसी संभावना को लेकर क्या सोनिया गांधी ने टिप्पणी की है या फिर उनकी टिप्पणी आने वाले राजनीतिक मामलों को लेकर है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार जिस शक्ति के साथ निर्णय ले रही है उससे उन्हें फिर से खतरा दिखाई दे रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।